और अभी हम दोनों हैं नहीं इनको कॉमेडी करने का मूड है अभी, बाकी मैं Hey guys, Geet here. Welcome to my channel Geet's POV. आपको लग रहा होगा कि आज मैं कहाँ पर हूँ. एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी और हम लोग जा रहे हैं वंदे भारत से. और मैं आपको दिखाऊंगी कि वंदे भारत में मैंने कई लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं. वो बोलते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, कई लोग बोलते हैं अच्छी है. तो आज मैं आपको पूरा पूरा सच दिखाऊंगी कि वंदे भारत एक्चुअली में कैसी है. तो अभी बजे हैं 3:30 हो गए हैं और आज है 24th May. और मैं इतने दिन तक मेरी वीडियोस नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद. और या फिर मैं आपको अपडेट देती जाऊँगी, दिखाती हूँ कि कैसा आता है और कैसा नहीं आता है. आज मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ वंदे भारत का. अभी लोग एडजस्ट हो रहे हैं तो थोड़ी ट्रेन लेट हो गई थी आज. मैं आपको पूरा ऊपर से दिखाती हूँ. तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का वॉशरूम कैसा है. अभी धीरे धीरे अभी तो सफर शुरू हुआ है, ले चलती हूँ आपको भी अपने साथ. सीट का सेटअप इस तरह से होता है जैसे डबल डेकर में, और नीचे पैर रखने के लिए घूम भी जाते हैं और यहाँ पे बॉटल वगैरह रखने के लिए पूरा सेटअप कर रखा है. और ये ऊपर भी हो जाता है देखिए. तो गाइस अराउंड 5:00 इन्होंने रिफ्रेशमेंट दिया. रिफ्रेशमेंट में मैंने आपको दिखा दिया, एक कचौड़ी है, सॉस का पैकेट है और ये गंदी सी ड्रिंक, सबसे घटिया ड्रिंक मुझे ये लगी. और चाय की सामग्री दे दी इन्होंने, मिल्क पाउडर दे दिया और शुगर दे दिया. और चाय ठीक लगी, चाय का टेस्ट जैसे नॉर्मली होता है ट्रेन में वैसे ही था. और एक वो जो गुड़ की चक्की वो भी ठीक थी, मतलब उसको हम थोड़ा बहुत झेल सकते थे. इतनी तो ड्रिंक है ना ये वाला, इतना घटिया ड्रिंक दिया हमने, सिर्फ एक घूट पिया उसके बाद मैं फेंकने वाले हैं. दूसरे तो हमने ही टेस्ट नहीं किया. कचौड़ी का टेस्ट अच्छा था, चाय का टेस्ट अच्छा था एंड बस. अब देखें रात को क्या आता है खाना. यहाँ का जो वाईफाई था वो तो माशाल्लाह था. वहाँ पर आप सिर्फ प्री लोडेड कंटेंट ही देख सकते हो. मतलब प्री लोडेड कंटेंट में भी क्या था, भोजपुरी मूवीज़ और क्या बकवास बकवास गाने थे. अब उसका क्या चार्ज डालना था, इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर. और गाइस इसमें आपको वाईफाई की सुविधा भी मिलती है और चार्जिंग पॉइंट दिखाती कहाँ पर है, सीट के नीचे. एकदम नीचे दे रखा है इन्होंने चार्जिंग पॉइंट. पहले तो मुझे लगा कि चार्जिंग पॉइंट का ये है नहीं, कि कैसी ट्रेन है जहाँ चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है, लेकिन अभी हमने ढूंढा तो हमें नीचे मिल गया. और हाँ, और वॉशरूम में मतलब वॉशरूम में है वॉश बेसिन, अलग से कोई वॉश बेसिन भी मिला है वंदे भारत में. परेशानी का सामना गाइस अप्रोक्स 8:30 डिनर मिल गया है. और डिनर में मिला है, मुझे भी नहीं पता क्या मिला है बिल्कुल. तो चावल जिसमें एक पनीर का टुकड़ा है और ये पनीर, दाल और एक सब्जी और ये रोटी एंड ये दही. तो ये खाना था, कुछ खास नहीं लगा मुझे, तो सिर्फ दाल और चावल ठीक लगे, बाकी सब्जी इतनी बेकार थी. रोटी भी अच्छी नहीं, दही भी अच्छी नहीं है, दही के साथ चीनी दे रहे थे कम से कम. फिर उन्होंने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट दिया है. तो खाने के लिए जिसकी टिकट है ना उसमें खाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है. और पानी का हम वेट कर रहे हैं बहुत दिन से, वो पानी भी नहीं लेके आए हैं. तो सर्विस के लिए भी मैं क्या ही बोलूँ, आप देख लो मैंने बहुत देर से खाना खा लिया. देखिए फिर उन्होंने हमको आइसक्रीम पकड़ाई और पानी, और हम बहुत बार बोल चुके हैं पानी पानी पानी, बट वो लोग आइसक्रीम दे के आ चुके हैं, मतलब दे के जा चुके हैं. और आइसक्रीम का ब्रांड है वनीला आइसक्रीम, वनीला ये देखो वनीला फ्लेवर लिख रहा है और मदर डेयरी की है. मेरे कहने का मतलब वही था, इनको मुझे हर चीज़ में टोकना है. और अभी हम लड़के बैठे हैं, मैं आपको बताऊंगी किस बात पे.
तो हम लोग लड़कर बैठे हैं और यू नो हस्बैंड बीइंग हस्बैंड का फेस ठीक है कि घटिया खाने के बाद कुछ मीठा ठंडा खाने का मन करता है तो इसलिए अच्छा लग रहा है। वैसे वनीला फ्लेवर मुझे इतना पसंद नहीं है बट घटिया खाने के बाद भी थोड़ा ठीक लग रहा है। और किसी न किसी सीट पे एक माइक भी होता है, इसको प्रेस करके आप कुछ भी बोलोगे तो वो सुन लेते हैं। मैंने बोला था एसी ऑन कर दो, उन्होंने एसी ऑन कर दिया था और पानी पर अपग्रेड दे रहा था कि उन्होंने अभी तक पानी नहीं दिया, उनके पास आधा बोतल पानी पड़ा है और इतने सारे जो यात्री बन रहे हैं उनसे बार बार पानी मांग रहे हैं बट वो पानी नहीं दे रहे हैं। सो पथेटिक एक्सपीरियंस एट वंदे भारत ट्रेन। तो आप सोच समझ के ट्रीट कीजिएगा, 1800 की टिकट में आपको गंदा सा घटिया सा खाना मिलेगा और पानी सिर्फ आपको एक ही बोतल मिलेगा, दूसरी बार आप मांगते रह जाओगे, आपको दोबारा पानी नहीं दिया जाएगा। आइसक्रीम ठीक थी बस, और उसके अलावा हाँ स्नैक्स भी ठीक थे, उसमें वो घटिया सी ड्रिंक दे दी थी मैंगो पता नहीं कौन सी। और लोग सो रहे हैं तो अभी हम पहुंच जाएंगे कटरा 1 बजे और अभी आधा घंटा है तो मैं आपको सीधे होटल में पहुंचने के बाद मिलती हूँ। गाइस हम पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन और वहां से देखो जय माता दी, देखो कितनी भीड़ आई है। तो कटरा पहुंचने के बाद हमने होटल ऑलरेडी पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी और हम वहां पर जाकर हमने ऑटो ढूंढा और फिर ऑटो से हम सीधे पहुंच गए अपने होटल में। एंड होटल का नाम था फॉर्चून और वो बेस्ट होटल था। मैं आपको दिखाऊंगी रूम कैसा है। एंड अप्रॉक्स 1:45 हम लोग पहुंच चुके थे होटल में। ये देखो पूरा इंटीरियर, ये तो अभी लॉबी एरिया है और अभी इन्होंने ऑलरेडी बुकिंग करा रखी थी तो वही बात बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रूम इतने अच्छे थे। सो गाइस दिस इज आवर रूम एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वांट टू शो यू वॉशरूम। हेलो भी अभी नहाने की अलग जगह, यहाँ पे नहाने का अलग दे रखा है इन्होंने। एंड ये कबर्ड, कबर्ड में लाइट है, वाह वाओ। सी गाइस और इसमें ये कॉफी बनाने के लिए मग्स, ये बेड और ये देखिए पहले से इनको बेड नहीं इनको सोफे पे आराम करना है। एंड द मिरर, ऐसी जगह पे मेकअप वीडियो कितनी अच्छी बने। और ये देखो गाइस यहीं से आपको दर्शन हो रहे हैं। जय माता दी। देखिए मेन्यू में क्या है, क्या मिलेगा, स्नैक्स पड़े हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2, दैट्स 25 मई और सुबह के बजे हैं 9 और ब्रेकफास्ट का टाइम था 7 to 10 और हम उठने में लेट हो गए तो हम इसलिए नीचे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो देखा कि बाकी के लोग पहले से ही पहुंचे हुए थे और उन वो लोग जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने हमको कॉल करके नीचे ही बुला लिया। बाकी आपके पास ऑप्शन है, आप अपने रूम में भी ऑर्डर करवा सकते हैं ब्रेकफास्ट, लेकिन बट हमने ट्राई किया कि नीचे जाके ही सारे ऑप्शन अपने हिसाब से देख लें। वहाँ पर हर चीज़ थी, इडली सांभर और ये सोटे वेजिटेबल्स और ये पाइनएप्पल का हलवा भी था हमने टेस्ट करने। गाइस दिस इज़ नेक्स्ट डे और मैं रेडी हो गई हूँ, हम लोग जा रहे हैं पास बनवाने। अगर आपको नहीं पता हो तो कटरा आने के बाद यहाँ से पास बनवाना पड़ता है और पास बनाने के 6 घंटे के अंदर अंदर आपको चढ़ाई स्टार्ट कर देनी होती है। मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ। दिस इज़ माई होल लुक। अभी हम सिर्फ पास बनवाने जा रहे हैं और आके फिर हम रेडी होंगे, नहाएंगे धोएंगे चढ़ाई के लिए। बाहर गाइस बैठने की जगह है, गार्डन छोटा सा बना रखा है। सो दिस इज काइंड ऑफ वेटिंग एरिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पास बनवाने और वहाँ दिखाती हूँ कितनी लाइन होती है, क्या होता है। सो लेट्स गो।
तो हमारे होटल से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही था जहाँ पर पास वगैरह बन रहे थे। तो उसमें क्या था कि पूरी लाइन में लगकर आपका नंबर आता था, इसमें बेसिकली आपको आधार कार्ड वगैरह दिखाना होता था, फिर वो आपकी फ़ोटो क्लिक करते थे एंड देन आपका आई कार्ड बन जाता था। बेसिकली आई कार्ड या आधार कार्ड कोई भी आपका आईडी कार्ड देखिए आप पास बनवा सकते हैं। और हम जा रहे हैं वापस होटल। तो ये था फॉर्च्यून पार्क द पारलेना गाइस, और ये सच में बहुत अच्छा होटल था, सर्विस अच्छी थी, स्टाफ अच्छा था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, इसलिए मैंने कहा आपको नाम दिखाना ज़रूरी है। सो वी आर बैक गाइस, और अभी बजे है 12:30 बज गए हैं। अब हम रेस्ट वेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो आई गेट रेडी फॉर चढ़ाई, और इस टाइम बजे थे 4 o'clock, और 4 बजे होटल वालों ने ही हमको कैब बुक करवा के वहाँ पर भिजवा दिया, से चढ़ाई स्टार्ट होनी थी। हम लोग कटरा से निकल चुके हैं चढ़ाई के लिए। जय माता दी, जय माता, जय माता दी। हम बोलो भाभी, अभी कैमरे में आया था, यहाँ से गाइड लाइन स्टार्ट हो चुकी है। गाइस हम लोगों ने तो मॉर्निंग में पास बनवा लिया था, लेकिन कई लोग अभी बनवा रहे थे और वो लोग बहुत पीछे थे हमारे होटल से। थोड़ी दूर से ही हमने देखा कि सब लोग पास बनवा रहे थे, तो बेटर यही होगा कि आप मॉर्निंग में जब आपको टाइम मिले तो आप तभी पास बनवा लें, और उसके फिर आराम करने के बाद आप चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये जो बड़ी वाली चढ़ाई है ये थी 12 किलोमीटर की, और जो इसके बाद भैरव बाबा की होती है, मतलब भवन के दर्शन करने के बाद जो नेक्स्ट होती है भैरव बाबा की, वो होती है 2 किलोमीटर की। वो बेसिकली इसमें ऊपर बहुत चढ़ना होता है, और ये मान्यता है कि पहले जो अगर भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो आपका जो ये दर्शन है ना कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इसीलिए भैरव बाबा का दर्शन करना ज़रूरी होता है। अगर आप भवन के दर्शन कर रहे हो तो भैरव बाबा का ज़रूर ज़रूर ही करना है आपको। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं आठ कुमारी, और 8 बजे है, और हम कर रहे हैं पेट पूजा, कुलचा एंड सैंडविच, ये तो खाने की शुरू हो रहे हैं। अर्धकुमारी का मतलब कि हमारी 6 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो चुकी थी, फिर उसके बाद हम पेट पूजा करने के बाद फिर से हम अपनी यात्रा शुरू की, और 6 किलोमीटर बचे थे, यानी अप्रॉक्स 2 घंटे में हमने 6 किलोमीटर चल चुके थे, क्योंकि उस टाइम एनर्जी थी और उतरते वक्त बहुत हालत ख़राब हुई थी। एनीवे तो हम पहुँचे ना, पता है मेरे साथ क्या हुआ, रास्ते में जैसे कई लोग पैसे मांगते हैं, तो उनमें से एक लड़की ना मेरे पर्स के पीछे पड़ गई थी, पर्स वो भी मीशो का आई कार्ड रखने वाला। गाइस तो हम रुके हैं भोजनालय हिमकोटी, और यहाँ पर हमने चाह कि कुछ खा पी लिया जाए, और यहाँ पे सब कुछ मिला है, लाइक राजमा राइस, कड़ी राइस, मसाला डोसा, और यहाँ पे एक डोसा पॉइंट बहुत फेमस है, देखते हैं यहाँ का डोसा कैसा। गाइस यहाँ से व्यू देखिए, हम लोग इतना ऊपर आ गए हैं, और यहाँ का हर चीज़ अच्छा था, डोसा से लेकर कढ़ी चावल, राजमा चावल, एवरीथिंग वाज वेरी टेस्टी। खाना खाओ तो यहीं पर खाना। और इसके बाद बच गए थे हमारे 5.5 किलोमीटर, और इसके बाद फिर हमने चलना शुरू किया और सीधे फिर वहाँ पहुँच कर ही रिकॉर्ड किया। हम लोग खाना खाने के बाद 1 घंटे में पहुँच गए थे दर्शन करने, और यहाँ पर सीन क्या है कि यहाँ पर लॉकर मिल रहे थे, और लॉकर में क्या था कि काफ़ी लॉकर टूटे हुए थे, तो हमने डिसाइड किया कि आधे लोग पहले दर्शन करके आएंगे, आधे लोग सामान का मतलब ध्यान रखेंगे। तो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, और हम अभी सामान का ध्यान रख रहे हैं, और अभी बाकी लोग दर्शन करने गए हैं। और वहाँ पर, यहाँ पर सच में बहुत ठंड है, मॉर्निंग के लिए एक स्वेटर या शॉल या कैप जरूर रख लें। इसके बाद जब वो लोग आएंगे तब हम जाएंगे भैरव बाबा, और मैं आपको अपडेट करूँगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2, यानी आज संडे हो गया है, और हम लोग ने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए थे 5:30 बजे तक। हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हॉट गया, मुझे लगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधे नीचे पहुँचने के बाद। सो इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग, और हम अभी पहुँचे हैं अपनी चढ़ाई पूरी करके, और मेरे पैरों की हालत बहुत बुरी हो गई है गाइस। यात्रा बहुत अच्छी रही, लेकिन मेरे पैरों की हालत जो हुई है ना, मैं क्या बताऊँ गाइस, अब मुझे नहीं पता
क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही। आपको पता है गिव अवे की डिटेल्स और पूरे वीडियो में कोड दिखा होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी में बता देना। तो यस, स्टे ट्यून, बाय बाय।